वृंदावन के मोती झील क्षेत्र स्थित भूरीवाला आश्रम पर कब्जे को लेकर संतों के दो पक्षों के मध्य हुई मारपीट का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी दर्शनानंद एवं स्वामी कृष्णानंद पक्ष के मध्य चल रहे विवाद में अब नगर के संतजन भी स्वामी कृष्णानंद के पक्ष में आ गए हैं। इन संतों का कहना है कि आश्रम के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद बहुत ही शांत स्वभाव के और गौ सेवक संत हैं। ऐसे संत के साथ मारपीट करके स्वामी दर्शनानंद और उनके साथियों ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह गलत है। साथ ही संतों ने एक स्वर में जिला प्रशासन और पुलिस से इस मामले में कठोर कानूनी कार्यवाही करने तथा स्वामी कृष्णानंद को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं स्वामी कृष्णानंद का कहना है कि वे आश्रम के अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग षड्यंत्र के तहत आश्रम को कब्जाना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत उन्हें आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया और उनके साथ मारपीट की गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री धाम वृंदावन के प्रमुख महापुरुषों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी वाला आश्रम मोती झील के निमित्त हो रही है। मैं स्वामी कृष्णानंद अध्यक्ष गौ सेवा मिशन, जो वर्तमान समय में ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, पिछले 20 वर्षों से इस आश्रम की सेवा व्यवस्था के लिए ट्रस्ट बना हुआ था। और उस समय पहले, आज से 5-6 महीने पहले, वहाँ जो व्यवस्थापक रखे थे, जो वहाँ उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि मैं आश्रम अपन नाम करा लूँ, उन्होंने नगर निगम में एक पत्र दिया। जब हमको पता चला, पूज्य श्री प्रकाशानंद महाराज जी जो मेरे से पूर्व ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको मना किया कि ये ट्रस्ट तो एक सरकारी संपत्ति है, इसको आप अपने नाम पर नहीं करा सकते। तो वो नहीं माने, उनको फिर ट्रस्ट से निष्कासित कर दिया। और अब ट्रस्ट में बहुमत है, 15 ट्रस्टी हैं, उनमें से 12 ट्रस्टियों का हमको पूरा प्राप्त है। और वर्तमान समय में हम प्रशासन से और सभी महापुरुषों से यही प्रार्थना करते हैं कि ट्रस्ट के पास सेवा के करने के सभी अधिकार हैं। ATG, बिजली के बिल, बैंक का आदि का जो कार्य है वो सारा ही ट्रस्ट के पास है और ट्रस्ट ही इसका संचालन कर रहा है। प्रशासन से क्या मांगे आप? जो तथागत जो ये दर्शनानंद इसके लिए आश्रम को अपने नाम कराने के लिए एक षड्यंत्र कर रहा है वो अति निंदनीय है, क्योंकि उसका ट्रस्ट से अब कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रस्ट बहुमत है, ट्रस्ट के पास सारे सेवा के अधिकार हैं। तो मैं पूज्य वृंदावन के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि आप न्याय करें और मंदिर की भूरीवाला आश्रम की और ठाकुर जी की सेवा का, संत सेवा का पूर्ण रूप से अधिकार ट्रस्ट को मिले। और मैं सभी ट्रस्टियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सदा ही सत्य की आवाज को जागृत करते हैं, सत्य का पक्ष करते हैं, और हमारे पास ट्रस्ट के पूरे पूरे कागज हैं, और इसलिए हमको पूरा पूरा सेवा का अधिकार मिला। जय श्री राम, जय गुरु।